और सामाजिक कार्यकर्ता के नाते लोगों ने इनको पैसा दिया, परंतु इन्होंने पैसा कहीं और खर्च किया है। आपको क्या शक है किस जगह पैसा खर्च किया? मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश में जब ये घूमते हैं तो वहाँ पर इनके कार्यकर्ता भी काम करते हैं, तो उनको कुछ राशि वगैरह दे के काम करवाने के लिए वहीं इन्होंने खर्च किया। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकता है पैसे का खर्च, ऐसा अंदेशा लग सकता है। ये शख्स जिस पर आरोप लगा है कि वो कोई सामान्य एनजीओ संचालक नहीं बल्कि देश के प्रसिद्ध समाज सेवी मेधा पाटकर है, जिस पर समाज सेवा के लिए दिए गए दान के पैसों को न सिर्फ गलत उपयोग का आरोप लगा है बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि मेधा पाटकर ने उस पैसे का उपयोग देश विरोधी कामों में किया। इस संबंध में फरियादी प्रीतम बेडोल ने FIR भी दर्ज करवाई है। उसका कहना है कि हमारे पास मेधा पाटकर के तमाम गड़बड़ियों के सबूत मौजूद हैं। सुनिए गंभीर आरोप। कितना पैसे की जानकारी आपको मिली अब तक? अभी 12.5 करोड़ के आसपास के साथ आया है, इसमें मैंने पूरी इसमें दिया भी है 13.5 करोड़ रुपए। तो ये कहाँ खर्च होना बताया इन्होंने? अभी खर्च होना इन्होंने बताया नहीं है, इन्होंने बताया कि जो है हमने महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में वहाँ पर उससे विद्यालय शुरू किए हुए हैं, पर जहाँ जब वहाँ जाके स्थानीय स्तर पर जब जाके देखा तो वहाँ पर ना विद्यालय थी, केवल झोपड़पट्टियाँ थी वहाँ पर। और आप स्वयं गए थे? हाँ, हम स्वयं गए थे सर, वहाँ सूत्रों के माध्यम से सारी जानकारी ली, पता कि हमने वहाँ पर। FIR का आधार क्या है? FIR का आधार ये है कि जो है हमने जब रिसर्च किया वहाँ पर जाके, इनके NGO का भी पता किया, इनकी ये जगह खर्च कर रहे हैं, जहाँ इन्होंने बताया कि यहाँ हमारे पैसे जो है खर्च कर रहे हैं, तो वहाँ जाकर वस्तु थी जानी जब वहाँ पर हमने जाके, तो ऐसा कुछ था ही नहीं वहाँ पर। और इन्होंने बताया कि लॉकडाउन में भी हमने जो है 65 लाख रुपये खर्च किए वहाँ पर लॉकडाउन जैसे। असल में पैसा कहाँ खर्च किया गया इसका मतलब? वो तो वही बताएंगे, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि वो और अन्य कोई गतिविधि में खर्च किया उन्होंने। ऐसा बताया गया कि देश की विभिन्न योजनाओं के विकास कार्यों के लिए जो प्रचार प्रसार होना था उसकी वजह उसके विरोध में लगाया, आपने FIR में जिक्र किया है। हाँ, ऐसा मुझे लगता है कि वहीं इन्होंने खर्च किया, क्योंकि अगर जो CSR के तहत जो था मामला वहाँ पर जो विकास कार्य होता है उसमें लगाना था, इन्होंने भोजन में व्यय किया ऐसा बताया वहाँ पर, जबकि वो जो पैसा है वो भोजन में खर्च नहीं कर सकते थे। आपने क्या आशंका रखते हैं कहाँ पे पैसा खर्च हुआ होगा? मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने पैसा कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधियाँ देश भर में होती रहती है वहाँ पर इन्होंने पैसा लगाया है। कैसी गतिविधियाँ? गतिविधियाँ इस प्रकार की कि मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि इन्होंने ऐसा कह सकते हैं कि जो नर्मदा बचाओ अभियान के माध्यम से जो यहाँ पर वो आते हैं, मतलब एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते आते हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता के नाते लोगों ने इनको पैसा दिया, परंतु इन्होंने पैसा कहीं और खर्च किया है। आपको क्या शक है किस जगह पैसा खर्च किया होगा? मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश में जब ये घूमते हैं तो वहाँ पर इनके कार्यकर्ता भी काम करते हैं, तो उनको कुछ राशि वगैरह दे के काम करवाने को लेकर वहीं इन्होंने खर्च किया। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकता है पैसे का खर्च, ऐसा अंदेशा लग सकता है। वहीं खुद मेधा पाटकर इन आरोपों पर ज्यादा गंभीर नजर नहीं आई, उल्टा उन्होंने आरोप लगाने वाले शख्स को RSS से जोड़ दिया और कहा कि झूठे आरोप लगाने वाला शख्स कानूनी कार्रवाई भुगतेगा। पर ऐसा लगता है कि अगर आप जो कह रहे हैं कि प्रीतम बडोले नाम के व्यक्ति ने किया है, जो RSS और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि किसी ने उसको भ्रमित कर दिया और झूठी खबर दे दी, तो वो ही भुगतेगा कानूनी कार्रवाई, तो ऐसा न करे तो अच्छा है। दीदी, ये बताया जा रहा है कि नर्मदा नवनिर्माण जो अभियान है मुंबई से रजिस्टर आपका ट्रस्ट है, उसमें जो आपके सहित 11 लोग हैं उनके द्वारा जो राशि ली जा रही है उसका जहां उपयोग करना चाहिए वहां न करते हुए अन्यत्र उसका खर्च किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीवनशाला के लिए जो मदद आती है वो जीवनशाला के लिए ही इस्तेमाल होती है, और जो मदद पूरे हमारे कार्य जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, जो रोजगार के क्षेत्र में है, जो शिक्षा के क्षेत्र में अन्य कार्य भी हैं, हम लोग प्रशिक्षण युवाओं का भी करते हैं, शिविर लेते हैं, हमारे पुनर्वसन का बहुत बड़ा कार्य है जो कि 4,000 परिवारों को महाराष्ट्र में और हजारों परिवारों को मध्य प्रदेश में पुनर्वास लिया, 37 साल पूरे हुए हैं, और हमारी जो जीवनशालाएँ चलती हैं उसको भी 30 साल। मेधा पाटकर के NGO पर इससे पहले आरोप तो कई लगे हैं, लेकिन पहली बार उनके ही क्षेत्र में FIR दर्ज की गई है। अब देखना ये होगा कि ये मामला आगे चलकर क्या रंग लाता है। पंजाब केसरी TV के लिए बड़वानी से संदीप कुशवाहा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।